देखिए, पहले तो संविधान दिवस के अवसर पर सभी माँ भारती के संतानों को मेरी शुभकामना और बधाई है। असंवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर जो संवैधानिक संस्था का अपमान करे, उसके निर्णय पर उंगली उठाए, लोगों के बीच भ्रम पैदा करे, ऐसे लोग संवैधानिक पद के योग्य नहीं है। जिस समय ये लाया गया था उस समय तो एनडीए की सरकार थी, जातीय गणना की मामला भी एनडीए के समय हुआ था और हम नेता प्रतिपक्ष के रूप में हमने तो समर्थन किया था। और वही बात आज हमने कहा सदन के अंदर भी कि नेता प्रतिपक्ष जब समर्थन कर रहा था और बोल रहा था तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए उस समय उस अध्यक्ष के आसन पर माइक बंद कर रहे थे, माइक बंद करने का आदेश दे रहे थे, बोलने नहीं दे रहे थे। वह कुशासन था और आज सुशासन है कि नेता प्रतिपक्ष को पूरा बोलने का मौका मिला है और उस मौके का सकारात्मक लाभ उठाने के बजाय भ्रम का वातावरण, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर आप प्रश्न उठा रहे हैं। और हिम्मत है तो नेता प्रतिपक्ष के नाते क्यों सुप्रीम कोर्ट नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट भी एनडीए की सरकार ही गई थी और किसी पार्टी के नाम लेकर के संविधान खतरे में है, संविधान बचाओ, आरक्षण खत्म हो जाएगा। अरे ये वही लोग है जो जंगल राज ला करके गुंडा राज में तब्दील कर रहा था, जो अपने परिवारवाद की जमींदारी बढ़ाने के लिए लोगों को भ्रमित करता है, लोगों को बरगलाता है, अराजकता पैदा करता है, ये जातीय उन्माद पैदा करता है, सच को नहीं स्वीकारता है, जो अपने दल के अंदर लोकतंत्र नहीं ला सका, जो अपने दल के अंदर आरक्षण का सम्मान नहीं कर सका, एकल पद पर जब बनेंगे तो वही और उनका माता पिता बहन, ये व्यक्ति संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी है। तेजस्वी यादव पूरा परिवार बाद की जमींदारी को चलाना चाहते हैं, न इनको आरक्षण से मतलब है, न संविधान से मतलब है, ये जनता के लोकतंत्र के विरोधी मानसिकता के लोगों की जमात है। खड़गे साहब तो बंधुआ मजदूर के तरह कल जोड़ करके कांग्रेस के युवराज के सामने खड़ा रहते हैं और जो वो कहते हैं उतना ही बोलते हैं। दुर्भाग्य है कि बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान में इतनी ताकत दी है, फिर भी कांग्रेस संविधान विरोधी मानसिकता का है, आरक्षण विरोधी मानसिकता का है। आरक्षण सिर्फ गांधी परिवार, नेहरू परिवार के लोग के लिए। देश में नेहरू परिवार का आरक्षण रिजर्व है और बिहार में लालू परिवार का आरक्षण रिजर्व है। ये सब समय अगर जो वो स्वतंत्र प्रभार में होते तो राहुल गांधी के सामने खड़े हो जाते, राहुल गांधी के सामने कल जोड़ते, पूछते हैं कि कितना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मुंह देखते हैं प्रसन्न हुए कि नहीं। ऐसी मानसिकता के बंधुआ मजदूर कांग्रेस और राजद में जो लोग हैं वो लोकतंत्र के हितैषी नहीं है। ये गुलाम भारत का प्रतीक है।